हेलो माय फ्रेंड्स, कैसे हो? मैं हूं आपका रफ़ी सर, और आज मैं बायो मॉलिक्यूल्स में आपको ट्रिक देने जा रहा हूं। तो बायो मॉलिक्यूल्स में जो कार्बोहाइड्रेट है, जिसका दूसरा नाम प्यार से हम सैकराइड भी बोल सकते हैं, उसमें नेमिंग हम कैसे करेंगे, डैट मीन्स डेक्स्ट्रो एंड लीवो DL नेमिंग कैसे करेंगे, उसकी ट्रिक मैं दूंगा। और उसके स्ट्रक्चर या नेम को कैसे याद रखेंगे, उसका भी मैं आपको ट्रिक देने जा रहा हूँ। तो ट्रिक में जाने से पहले हम अगेन ज्ञान की बात कर लेते हैं। तो ज्ञान की बात में सिंपल सा पॉइंट ये है कि व्हाट इज कार्बोहाइड्रेट और सैकराइड, कि इट इज ए पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोनिल। डैट मीन्स इसमें OH ग्रुप होगा फंक्शनल ग्रुप में, एंड एल्डिहाइड या कीटोन फंक्शनल ग्रुप होंगे, इसलिए ये पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड होगा। और एक और कंडीशन है कि एटलीस्ट वन कायरल सेंटर होना चाहिए, कम से कम एक कायरल सेंटर होना चाहिए। डैट मीन्स एक कायरल सेंटर बनाने का मतलब इस कारण पे OH और H किया, और एक कार्बोनिल कंपाउंड है। तो सपोज करो अगर मैंने ये ले लिया तो, और पॉलीहाइड्रोक्सी भी होना चाहिए, डैट मीन्स एक से ज़्यादा OH भी होना चाहिए। तो एक इधर मैंने CH2OH कर दिया, तो ये जो हमने बनाया ये क्या है, मेरा एक कार्बोहाइड्रेट है या एक सैकराइड है, या इसी का नाम शुगर भी बोल सकते हैं, ये मेरा एक शुगर भी है। और ये क्या ये कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, तो देखो यस पॉलीहाइड्रोक्सी, तो यस पॉलीहाइड्रोक्सी है, एक से ज़्यादा OH हो गए। कार्बोनिल कंपाउंड, यस कार्बोनिल कंपाउंड है। हैविंग एटलीस्ट वन कायरन सेंटर, यस कायरन सेंटर है, क्योंकि इस कार्बन पे चारों ग्रुप आपके क्या हैं, डिफरेंट है, इधर H है, इधर OH है, इधर एल्डिहाइड है, और इधर CH2OH है, तो ये एक कायरन सेंटर है। तो इसलिए ये हमारा क्या हो जाएगा, सिंपलेस्ट, अगर आपसे पूछे कि सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट कौन होगा तो ये होगा, और इसका नाम हो जाएगा ग्लिसरल डिहाइड, इसी को बोलते हैं ग्लिसरल डिहाइड। नाउ अपने जो सिलेबस में पढ़ना है, हमें जो अपने सिलेबस में पढ़ना है वो हेक्सोज, मतलब सिक्स कार्बन वाला पढ़ना है, इसलिए उसका जनरल फार्मूला क्या रहेगा, 6C6H12O6। ओके, सिक्स कार्बन वाला हमें पढ़ना है। अगर इस सिक्स कार्बन वाले में अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप होगा तो उसको बोलेंगे अल्डोज, और अगर कीटोन फंक्शनल ग्रुप होगा तो उसको बोलेंगे कीटोज, जिसका वन ऑफ द एग्जाम्पल है ग्लूकोज। ग्लूकोज में अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप होते हैं, तो इसलिए वो हमारा अल्डोज हुआ। और फ्रक्टोज में कीटोन फंक्शनल ग्रुप होते हैं, इसलिए वो हमारा कीटोज हुआ। तो हमें सिलेबस में सिक्स कार्बन वाला ही पढ़ना है, एक अल्डिहाइड वाला जिसका एक एग्जांपल है ग्लूकोज, एक कीटोन वाला जिसका एक एग्जांपल है फ्रक्टोज। तो नाउ अब हम बात करते हैं DL नेमिंग की ट्रिक्स की, एंड देन उसके बाद फिर स्ट्रक्चर एंड नेम के ट्रिक्स की, कि कैसे आप उसको याद रखेंगे। तो चलिए हम बात करते हैं ट्रिक नंबर वन की। तो ट्रिक नंबर वन जो है उसका स्लोगन ही है लॉल वर्ड, LOL। डैट मीन्स क्या है वो मैं समझाता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे जो D मैं यूज करूँगा, D का मतलब हो गया डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और L यूज करूँगा तो लेवो रोटेटरी। नाउ द क्वेश्चन इज कि आप D या L कब बोलेंगे, तो उसके लिए सिंपल सा पॉइंट है कि आप अल्डिहाइड या कीटोन फंक्शनल ग्रुप को टॉप पे रखेंगे। डैट मीन्स अगर टॉप टू बॉटम की बात करें तो आपको कहाँ पे रखना है, एट टॉप, किसको, अल्डिहाइड या फिर कीटोन फंक्शनल ग्रुप को टॉप पे रखना है। एंड देन उसके बाद आपको टॉप से अगर आप आ रहे हो तो लास्ट वाला कायरल सेंटर को चेक करना है, और अगर बॉटम से जा रहे हो तो फर्स्ट वाला कायरल सेंटर को चेक करना है। ध्यान दें, अगर आप टॉप से आ रहे हो तो लास्ट वाला कायरल सेंटर को, और बॉटम से पहले वाले कायरल सेंटर को चेक करना है कि कौन सी पोजिशन, OH की पोजीशन, हाइड्रोक्सिल ग्रुप की पोजीशन। टॉप से अगर आ रहे हो तो लास्ट वाले कार्बन पे, कायरल कार्बन पे ध्यान दें, कायरल कार्बन पे, और अगर बॉटम से जा रहे हो तो फर्स्ट वाले कायरल कार्बन पे OH की पोजीशन चेक करना है। अगर वो OH लेफ्ट में है, अगर वो OH लेफ्ट साइड में है, तो फिर उसको बोलेंगे लीवो रोटेटरी। और इसलिए वहीं से हमने बनाया ये ट्रिक, इसका L ले लिया लेफ्ट, इसका O ले लिया OH, और इसका L ले लिया, तो लॉल वर्ड से याद रखेंगे LOL। ओके, ये एप्लीकेशन में आपके पास मैंने कुछ एग्जांपल लिए हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अल्डिहाइड जो मेरा ग्रुप है वो टॉप पे है,
तो टॉप से लास्ट कायरल कार्बन ये वाला है, लास्ट कायरल कार्बन पे जाना, या बॉटम से लास्ट कायरल कार्बन भी यही हो गया। और ये ध्यान दें कि इस कार्बन पे दोनों हाइड्रोजन सेम है तो ये कायरल कार्बन नहीं है। तो इस पे गया मैं, और इस पे किसकी पोजीशन चेक करनी है, OH की, किस साइड में आ रहा है वो, लेफ्ट साइड में, तो ये क्या हो जाएगा L लॉलवर्ड से। सिमिलरली इसमें देखो ध्यान से, आपका अल्डिहाइड या कीटोन टॉप पे है, लास्ट कायरल कार्बन पे जाना है तो लास्ट कायरल कार्बन आपका ये है। ओके, ये कायरल सेंटर नहीं है, क्यों, क्योंकि इस पे दोनों हाइड्रोजन अगेन सेम है, तो ये है। या बॉटम से फर्स्ट कायरल सेंटर पे जाएंगे, और यहाँ पे OH की पोजीशन राइट में है, लेफ्ट में नहीं है, तो लेफ्ट में था तो लॉलवर्ड, तो राइट में है तो डी, तो ये डी कॉन्फ़िगरेशन में। नाउ अगेन अगर तीसरे वाले में बात करें तो ये कीटोन फंक्शनल ग्रुप हो गया, जो कि ऑलरेडी टॉप पे है, तो लास्ट कायरल आपका ये है, या बॉटम से फर्स्ट कायरल ये है, इस पे OH की पोजीशन अगेन लेफ्ट में है, तो लॉलवर्ड से लेफ्ट में ऑक्सीजन होगा तो L, तो इसलिए क्या हो जाएगा आपका L कॉन्फ़िगरेशन में। नाउ एग्जांपल नंबर 4 के बारे में बात करते हैं कि ऐसे क्वेश्चन आ गए तो आप ध्यान से देखो, तो आप यहाँ पे डायरेक्ट नेमिंग नहीं कर सकते हैं, ये नहीं कि आप ये वाले कायरल सेंटर को ले लिया, राइट, क्यों, क्योंकि आपका जो मैन फंक्शनल ग्रुप है एल्डिहाइड वो टॉप पे नहीं है, बॉटम पे है, तो आप इसको इंटरचेंज करना है विदाउट चेंजिंग द कॉन्फ़िगरेशन। तो कैसे करेंगे, वेरी सिंपल, गाड़ी के स्टेयरिंग की तरह आप इसको घुमा देना है। तो इसको मैं क्या कर रहा हूँ, ऐसे करके आपको इसको पकड़ करके ऐसे ऐसे घुमा देना है। तो देखो मैं 180 डिग्री से रोटेट कर रहा हूँ, तो इससे कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं होता। तो जब आप ऐसे करेंगे तो ध्यान से देखो क्या होगा, CHO आपका ऊपर आ जाएगा और CH2OH आपका नीचे आ जाएगा, और जो इधर के वाले हैं वो इधर आ जाएंगे और इधर वाले इधर आ जाएंगे, राइट। तो ध्यान से देखो, CHO जब ऊपर गया तो CHO वाले जो कार्बन थे, कायरल वाले टोटल चार हैं, CHO के पास वाले, तो OH इस साइड आ जाएगा, ध्यान दें, और H आपका इस साइड आ जाएगा, डैट मीन्स इंटरकन्वर्ट एक तरीके से कह सकते हो। फिर हमने ऐसे किया तो ये H आपका इस साइड आ गया और OH इस साइड आ गया। फिर अगर ध्यान से देखें तो अगर रोटेट करोगे आप तो ये OH आपका इस साइड आ जाएगा और H इस साइड आ जाएंगे, एंड अगर इसको किए थे तो आपका OH इस साइड आ जाएगा और H इस साइड। तो आप डायरेक्ट यहाँ पे नेमिंग मत करना, जस्ट उसको 180 से रोटेट कर लेना, नंबरिंग चाहो तो कर सकते हो 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो यहाँ पे ये आपका 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो आप देख सकते हो कि 2 वाले पे OH राइट में था और ये रोटेट करने की वजह से लेफ्ट में आ जाएंगे, तो 2 वाले पे OH लेफ्ट में आ गया। अब इसमें आपको टॉप से जा रहे हो तो लास्ट कायरल सेंटर पे, बॉटम से जा रहे हो तो फर्स्ट पे, OH लेफ्ट में है, तो कौन सा कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, L। तो आई होप ये वाला आपको DL नेमिंग ट्रिक समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं ट्रिक नंबर 2 की, डैट मीन्स एल्डोज के नेम और स्ट्रक्चर को कैसे याद रखेंगे। तो मैंने एक अल्डोज लिया है इन जनरल, अभी इसका क्या नाम है वो हम देख लेंगे, एक अल्डोज लिया क्योंकि अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है। तो आप इसमें ध्यान से देखो तो टोटल चार कायरल कार्बन है, ये वाले 1, 2, 3, 4 जिसको मैंने सर्कल किया। तो आप ही सोचो अगर चार कायरल कार्बन है तो नंबर ऑफ आइसोमर इसके कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ आइसोमर 2 की पावर 4, चार कायरल सेंटर है तो 16, डैट मीन्स इसके टोटल 16 आइसोमर बनेंगे। तो ये 16 आइसोमर के स्ट्रक्चर हम कैसे याद रखेंगे और नेम कैसे याद रखेंगे, उसके लिए रफ़ी सर आपको देने जा रहे हैं ट्रिक। तो 16 में आपको मालूम है कि 16 में 8 तो क्या होगा, डी कॉन्फ़िगरेशन में होगा, और 8 जो होंगे वो एल कॉन्फ़िगरेशन में होंगे। डैट मीन्स अगर ये कोई अल्डोज है तो ये खुद एक है और एक इसका आप क्या करेंगे, मिरर इमेज बनाएंगे, एक इसका क्या करेंगे, मिरर इमेज बनाएंगे। तो मिरर इमेज कैसा दिखेगा, कुछ नहीं करना आपको, जस्ट आईने के पास में जो चीज़ है वही रखना है, डैट मीन्स कन्वर्ट कर देना। तो OH H हो जाएगा, यहाँ पे OH पास में है तो OH पास में रखो, यहाँ पे भी OH आपका पास में है तो ये रखो, यहाँ पे भी OH पास में है तो ये रखो, और CH2OH। तो जैसे अगर हम देखें तो ये किस कॉन्फ़िगरेशन में है, तो टॉप से लास्ट कायरल सेंटर पे या बॉटम से फर्स्ट पे जाएंगे और OH राइट में है तो ये आपका डी कॉन्फ़िगरेशन में। तो ये वाला क्या हो जाएगा आपका, देख सकते हो
टॉप से लास्ट पे गए या बॉटम से फर्स्ट पे OH लेफ्ट में, तो ये L कॉन्फ़िगरेशन हो गए। तो ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज हो गए, इसलिए हमने बात किया है कि आपके पास 8D कॉन्फ़िगरेशन वाले होंगे और 8L। तो मैं 8D वाले को कैसे याद रखेंगे, 8D वाले को कैसे याद रखेंगे उसके बारे में ट्रिक देने जा रहा हूँ। क्योंकि D वाला याद हो गया तो जस्ट इस तरीके से आप मिरर इमेज ले लेंगे तो L वाला आ जाएगा। तो मेरी बात क्लियर है? तो मैं 8D वाले को कैसे याद रखेंगे उसके बारे में बात करता हूँ। तो चलिए मैं 8D वाले कॉन्फ़िगरेशन को कैसे याद रखेंगे उसके बारे में बात करता हूँ। तो जैसे मैंने ये अगेन एक अल्डोज लिया हुआ है और अभी ये D कॉन्फ़िगरेशन में, क्यों? क्योंकि लास्ट वाला कार्य सेंटर या बॉटम से फर्स्ट वाला राइट साइड में OH है, तो ये D कॉन्फ़िगरेशन में। तो ध्यान दो, मैं एक वर्ड लिखा हूँ EP-MER, ये कभी कभी पूछा जाता भी है और वेरी सिंपल है। EP-MER का मतलब क्या है कि जो कॉन्फ़िगरेशन आपका है सब जगह वही रहेगा, सिर्फ कार्बन नंबर 2 पे चेंज करना है। ये 1 हो गया कार्बन नंबर, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6। अगर सिर्फ कार्बन नंबर 2 पे, कार्बन नंबर 2 पे आपका कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो रहा है तो फिर हम इस दोनों के रिलेशन को क्या बोलेंगे, EP-MER। जैसे इसका EP-MER में बनाओ तो कैसा हो जाएगा, CHO, सिर्फ कार्बन नंबर 2 पे चेंज करना है, 2 पे इधर OH राइट में तो इधर क्या कर देना, लेफ्ट में, सिर्फ 2 पे चेंज करना है, ध्यान दे, बाकी सब वैसे ही रहने देना है, बाकी पे कहीं पे कोई चेंज नहीं। अगर सिर्फ कार्बन नंबर 2 पे आपने चेंज कर दिया तो ये दोनों में क्या रिलेशन हो गया, इन दोनों को एक दूसरे का EP-MER बोलेंगे। तो वॉट इज EP-MER, तो जब जो कॉन्फ़िगरेशन गिवन है उस कॉन्फ़िगरेशन को किसी दूसरे कॉन्फ़िगरेशन से कंपेयर करो और सिर्फ कार्बन नंबर 2 पे चेंज आ रहा है कॉन्फ़िगरेशन, तो फिर ऐसे को हम बोलेंगे EP-MER। और EP-MER एक्चुअली में क्या हो गए, ध्यान से देखो तो ना तो ये मिरर इमेज है ना ही ये सुपर इम्पोजिबल है, तो ये क्या हो गए, डाया एस्टीरियोमर, तो ये डाया एस्टीरियोमर होते हैं। तो उसी EP-MER के कंसेप्ट से हमने 8 आपको जो डी कॉन्फ़िगरेशन वाले, ये सारे के सारे डी कॉन्फ़िगरेशन वालों के नेम और कैसे हम स्ट्रक्चर याद रखेंगे अभी ड्रॉ करके बताऊंगा। तो नेम में मैंने इसी ऑर्डर में लिखा है ताकि ट्रिक का पॉइंट अपना वर्क करे। तो एक होता है एलोज, उसका EP-MER है एल्ट्रोज। दूसरा होता है ग्लूकोज, उसका EP-MER है मैनोज। तीसरा है गुलोज, उसका EP-MER है आइडोज। चौथा है गैलेक्टोज और उसका EP-MER है टैलोज। तो ये टोटल 8D कॉन्फ़िगरेशन वाले हो गए। याद कैसे रखेंगे, तो देखो मैंने सबका फर्स्ट लेटर लिया तो क्या हो गया, AG गूगल। और गूगल किसको कहने करने को कर रहे हो, तो अमित को बोल रहे हो। अमित को हम क्या बोल रहे हैं, AG गूगल। तो A मतलब यहाँ पे एलोज, उसका EP-MER एल्ट्रोज। तो AG गूगल अमित, इस वर्ड से इजीली याद रख सकते हैं। तो आपको जो 8D वाले हैं वो हमने याद करा दिया। और क्वेश्चन अगर एग्जाम में ऐसे आ जाए कि गुलोज का EP-MER कौन है, तो वो भी आप याद रख सकते हो, गुलोज का आइडोज आपको इजीली हो जाएंगे। तो EP-MER भी पूछा जाए। नाउ अब हम बात करते हैं कि इसके स्ट्रक्चर को, तो अगेन हम एलोज, ग्लूकोज, गुलोज और गैलेक्टोज का स्ट्रक्चर बना लेंगे और क्या करेंगे, जस्ट कार्बन नंबर 2 पे चेंज कर देंगे तो इन सब का आ जाएगा। और चूंकि इस पॉइंट पे ध्यान देना है, चूंकि हम सिर्फ कार्बन नंबर 2 पे चेंज कर रहे हैं तो सिर्फ 2 पे चेंज होगा, और चूंकि हम डी की बात कर रहे हैं तो आपका लास्ट कार्बन पे जो OH होगा वो राइट साइड में होना चाहिए, तो इसको आप चेंज नहीं कर सकते। लास्ट कायरल कार्बन पे OH राइट में होना चाहिए, तो इसको चेंज नहीं कर सकते क्योंकि सारे डी फॉर्म की बात कर रहे हैं और सिर्फ चेंज कहाँ पे करना है आपको, कार्बन नंबर 2 पे। चलिए अब हम स्ट्रक्चर कैसे याद रखेंगे उसके बारे में बात करते हैं। तो हमने आपको बताया था AG गूगल। तो ये ध्यान से देखो, ये सारे डी कॉन्फ़िगरेशन में, क्यों? क्योंकि लास्ट कायरल सेंटर पे जो OH है वो आपका राइट में है, तो ये डी कॉन्फ़िगरेशन में। यहाँ पे भी लास्ट कायरल कार्बन पे जो OH है वो राइट में है, तो ये डी कॉन्फ़िगरेशन में। यहाँ पे भी जो लास्ट कायरल कार्बन है उस पे OH राइट में है, तो डी कॉन्फ़िगरेशन है। और यहाँ पे भी आपका जो लास्ट कायरल सेंटर है टॉप से और बॉटम से फर्स्ट वो राइट में है, तो ये भी आपका डी है। तो ये सारे मैंने डी वाले 4 लिखे। और कौन कौन है, एलोज, ग्लूकोज, गुलोज, गैलेक्टोज।
ए जी गूगल वाला। अब इसका अमित बनाना हो तो वो भी इजी है। पहले समझो कि मैंने इसको ऐसे क्यों ड्रॉ किया है। बहुत सिंपल है, ध्यान से देखो। मैंने फर्स्ट केस में क्या किया, एलोज वाले में अल्फ़ाबेट में ए पहले आता है। फर्स्ट केस में हमने क्या किया, सारे ओ एच को राइट साइड में रखा। ध्यान से देखो, सारे ओ एच को राइट साइड में। उसके बाद जब इससे मैं ए स्ट्रक्चर बना रहा हूँ तो हमारे पास कंडीशन है कि मैं कार्बन नंबर टू पे चेंज नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वो ई पी मर आ जाएगा, वो अभी हम बनाने वाले हैं। और कार्बन नंबर लास्ट कायरल सेंटर पे भी चेंज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये डी है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो मैं कहाँ कहाँ पे चेंज नहीं कर पाऊँगा, एक कार्बन नंबर टू पे। क्यों? क्योंकि वो ई पी मर में कन्वर्ट हो जाएगा अगर चेंज कर दूंगा। वन टू, ये टू पे, थ्री फोर फाइव एंड ये कार्बन नंबर सिक्स। तो टू पे मैं अभी चेंज नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि इसका ई पी मर बनाना है। और एक फाइव पे हम चेंज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमको सबको डी रखना है, तो ये चेंज नहीं कर सकते। तो चेंज कहाँ पे हो सकता है तुम ही बताओ। चेंज आपका सिर्फ थ्री फोर पे हो सकता है। तो इसलिए पहले केस में हमने सिर्फ कार्बन नंबर थ्री पे चेंज किया। आप ध्यान से देखो, सिर्फ कार्बन नंबर थ्री पे। इससे और इसमें कंपेयर करोगे तो ये OH वैसे रहेगा, सिर्फ थ्री पे हमने चेंज किया, बाकी को सेम रखा। तो थ्री पे सिर्फ अगर चेंज करेंगे, सिर्फ थ्री पे चेंज करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, ग्लूकोज। तो इसलिए अब आपको ग्लूकोज का स्ट्रक्चर भी इजीली याद हो जाएगा कि सारे OH राइट साइड में है तो एलोज है, सिर्फ थ्री पे चेंज करेंगे तो वो हो जाएगा ग्लूकोज। थ्री के बाद हम किस पे चेंज कर सकते हैं, फोर पे। तो अगर मैंने फोर पे सिर्फ चेंज किया तो वो क्या हो जाएगा, ग्लूकोज। सिर्फ फोर पे चेंज किया तो ग्लूकोज। और नेक्स्ट स्ट्रक्चर हमने क्या किया, अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है तो थ्री फोर दोनों पे चेंज कर दिया। इसमें थ्री फोर दोनों पे एच ओ एच की पोजीशन को चेंज कर दिया, तो क्या आ गया मेरे पास, गैलेक्टोज। तो आई होप ये समझ में आया होगा कि कैसे सारे को राइट साइड में रखा, फिर थ्री पे चेंज किया, फिर फोर पे, फिर थ्री फोर दोनों पे। अब इसका ईपीमर बनाना बहुत ईजी है, सिर्फ कहाँ पे चेंज करना है, कार्बन नंबर टू पे। तो आप बाकी चीज़ को वैसे ही रहने दें, कार्बन नंबर टू पे आपको चेंज करना है, डेट्स इट। तो कार्बन नंबर टू पे OH उधर राइट में था, लेफ्ट में कर दिया H, बाकी चीज़ को वैसे ही रहने देना, आपको उसमें छेड़छाड़ नहीं करना है। तो ये जो बन गया एलोज का, वो क्या बन गया, अल्ट्रोज। ईपीमर एलोज का अल्ट्रोज। सिमिलरली अगर इसका बनाना हो तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सिर्फ कार्बन नंबर टू पे चेंज करना है, बाकी छेड़छाड़ नहीं करना है आपको, राइट। तो वन टू पे ये ओ एच इस साइड में आ जाएंगे और ये एच ई, और उसके बाद जो जैसे वैसे ही रहने देना है। तो ये आपने कर दिया, तो ये आपका स्ट्रक्चर बन के तैयार हो गया, अमित मतलब ये मैनोज बन करके आपका तैयार हो चुका है। सिमिलरली अगर इसमें बात करें तो आपको कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, सिर्फ कार्बन नंबर टू पे करना है। टू पे करना है तो ये ओ एच इधर और एच इधर, बाकी जो जैसे है वैसे ही रहने देना है। तो ये आपका क्या बन के तैयार हो गया, अमित में आई तो आई डोज। और सिमिलरली इसमें भी कार्बन नंबर टू पे चेंज करना है आपको, तो ये सी एच ओ सी एच टू ओ एच, कार्बन नंबर टू पे कर दो तो ये ओ एच इधर हो गया और एच इधर, बाकी जो जैसे है वैसे ही रहने देना है। तो आप ध्यान से देखो ये क्या आ गया आपका, टैलोज। तो आप ध्यान से देखो तो सब में लास्ट कायरल कार्बन पे ओ एच अगेन आपका कहाँ पे है, राइट में। तो ये सब के सब कौन से हैं, डी वाले हैं आपके। ये सब के सब आपके कौन से हैं, डी वाले हैं। तो ये टोटल 8D बोर्ड पे मैंने प्रेजेंट कर दिया है। याद रखना भी इजी है और स्ट्रक्चर भी इजी है। याद कैसे रखेंगे, ए जी गूगल ए एम आई टी अमित, ये वर्ड से याद रख लेंगे। और कैसे किया, मैंने सारे ओएच को राइट में रखा, फिर थ्री पे चेंज किया क्योंकि टू फाइव पे तो आपको अलाउ ही नहीं है, और फिर फोर पे चेंज किया, फिर थ्री फोर दोनों पे एक साथ चेंज कर दिया। तो ए जी गूगल वाले याद हो गए। सिर्फ कार्बन नंबर टू पे जो बना रखा आपने, सिर्फ कार्बन नंबर टू पे चेंज करेंगे, बाकी कोई चेंज नहीं करेंगे तो ईपीमर हो गया। तो इसलिए एलोज का ईपीमर अल्ट्रोज एंड सो ऑन। हेलो बच्चों, कैसे हो, मैं हूं आपका रफ़ी सर, और आज मैं इस वीडियो लेक्चर में आपको देने जा रहा हूं कन्वर्जन का ट्रिक, डैट मीन्स बायो मॉलिक्यूल में एक फिशर प्रोजेक्शन को हावर्थ में कैसे चेंज करेंगे, उसके बारे में मैं ट्रिक देने जा रहा हूँ। लेकिन ट्रिक देने से पहले जो सम ऑफ द इम्पोर्टेंट पॉइंट है
उसको जान ले। देखो फिशर प्रोजेक्शन मतलब जो ओपन चेन वाले होते हैं, राइट, ओपन चेन या फिर यू कैन से नॉन साइक्लिक स्ट्रक्चर, उसको बोलेंगे फिशर प्रोजेक्शन। अभी मैं एक ड्रॉ करके बताता हूँ। और हावर्थ प्रोजेक्शन मतलब जो साइक्लिक आपका रिप्रेजेंटेशन है, साइक्लिक प्रोजेक्शन है, उसको बोलेंगे हावर्थ प्रोजेक्शन। नाउ जो अपने को पढ़ना है सिलेबस में वो हमें हेक्सोज पढ़ना है, मतलब सिक्स कार्बन वाला आपको बायोमॉलिक्यूल पढ़ना है, जिसमें एक होता है एल्डो हेक्सोज। एल्डो हेक्सोज मतलब क्या हो गया कि उसमें अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप होगा, दिख रहा लिखा हुआ अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप होगा। तो जब एल्डो हेक्सोज को जो फिशर प्रोजेक्शन में होंगे उसको हावर्थ में कन्वर्ट करोगे तो उसका नाम हो जाएगा पायरेनोज, क्योंकि वो पायरेन की तरह आपको दिखेगा। और पायरेनोज का मतलब क्या हो गया कि इसमें फाइव कार्बन होंगे आपके पास और वन ऑक्सीजन होंगे। ये जो सिक्स मेंबर रिंग होगी, ध्यान दें कि ये एक सिक्स मेंबर रिंग होगी, सिक्स मेंबर साइक्लिक स्ट्रक्चर होगा जिसमें पांच कार्बन होंगे एक ऑक्सीजन होंगे, तो उसको बोलेंगे पायरेनोज। कन्वर्जन ऑफ एल्डो हेक्सोज किस में जाएगा, पायरेनोज में। पायरेन से बना है, यहाँ से लिया गया है, क्योंकि आप देख सकते हो पायरेन में कितना है, सिक्स टोटल रिंग में सिक्स एलिमेंट है जिसमें से पांच कार्बन है जिसको ब्लैक कलर से दिखाया और एक आपका ऑक्सीजन है, तो इससे मिलता जुलता है इसलिए इसको बोलते हैं पायरेनोज। ध्यान दें कि ये एरोमेटिक कंपाउंड नहीं है, ये चीज ध्यान दें। एक है दूसरा कीटो हेक्सोज। अगर कीटोन फंक्शनल ग्रुप होगा आपके हेक्सोज में तो उसको बोलेंगे कीटो हेक्सोज, और इसको जब कन्वर्ट करोगे आप हावर्थ में तो इसका नाम होगा फ्यूरेनोज। और अगेन ये किससे बना है, तो फ्यूरेन से बना है। और यहाँ पे जो आपकी रिंग बनेगी वो कितने मेंबर की बनेगी, तो ये फाइव मेंबर रिंग रहेगी, इसलिए इसमें फोर कार्बन होंगे और वन ऑक्सीजन होगा। ये जो रिंग बनाना है वो आपको फाइव मेंबर रिंग बनाना है जिसमें चार कार्बन एक ऑक्सीजन। चूंकि इसका स्ट्रक्चर इससे मिलता जुलता है इसलिए फ्यूरेनोज नाम पड़ा। आप देख सकते हो यहाँ पे चार कार्बन है और एक ऑक्सीजन है। तो अगर अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप होगा तो आपको सिक्स मेंबर रिंग बनाना है जिसमें से पांच कार्बन होगा रिंग में और एक ऑक्सीजन होगा। अगर कीटोन फंक्शनल ग्रुप होगा तो आपको पांच मेंबर की रिंग बनानी है जिसमें से चार कार्बन होगा और एक ऑक्सीजन होगा। जैसे अल्डिहाइड वाला मैं लेता हूँ एक एग्जाम्पल, और जिसका बेस्ट एग्जाम्पल है ग्लूकोज। नाउ द क्वेश्चन इज कि आप ग्लूकोज को कैसे याद रखोगे, तो मेरा सिंपल सा ट्रिक है 3G से। 3G का क्या मतलब है, ध्यान से देखो, अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप आपका टॉप पे होगा और चार OH जो कायरल वाले होंगे और एक CH2OH। 3G का मतलब क्या है कि आपको सारे OH को तो राइट साइड में रखना है, ओनली कार्बन नंबर 3 पे OH को लेफ्ट में करना है। तो देखो ये कार्बन नंबर 1, नंबरिंग यहीं से होगा, डॉन फंक्शनल ग्रुप है ये, 1, 2, 3, 4, 5, 6। 3G से मेरा सेंस क्या है कि थर्ड पे सिर्फ चेंज करना आपको, तो 2, 3 पे इधर OH आ जाएगा और इधर H। बाकी सब में आपको क्या करना है, बाकी सब में राइट साइड में आपको OH रखना है। तो ये हमने स्ट्रक्चर बना दिया किसका, ग्लूकोज का। तो ये जो प्रोजेक्शन है इसको बोलते हैं फिशर प्रोजेक्शन, ये आपका है फिशर प्रोजेक्शन। अब इस, क्योंकि इसमें अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है, इसको अगर मैं कन्वर्ट करूंगा साइक्लिक स्ट्रक्चर में तो ये हो जाएगा हावर्थ, और इसका नाम कॉमन नेम क्या रहेगा, पायरेनोज। सिमिलरली अगर मैं बात करूं कीटो हेक्सोज के बारे में, तो उसको मैं यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ, इसमें कीटोन फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए, तो आप इजिली क्या करो CH2OH और कीटोन, चूंकि कार्बन के दोनों साइड सीडोल बॉन्ड हो के दोनों साइड कार्बन होना चाहिए इसलिए बीच में सीडोल बॉन्ड आएगा, और उसके बाद आपके पास ये कायरल सेंटर और CH2OH। तो इसका नाम तो आपको मालूम हो गया है कि ये क्या है, ग्लूकोज। तो ये एल्डो हेक्सोज का बेस्ट एग्जांपल है ग्लूकोज। कैसे बनाएंगे, तो हमने इसके लिए ट्रिक दिया, क्या दिया आपको, 3D। 3D का मतलब क्या हो गया, सारे OH को राइट में रखना है, सिर्फ कार्बन नंबर 3 पे चेंज कर देना है, उल्टा कर देना है। वैसे ही इसको भी 3D से ही याद रखेंगे, बट द कंडीशन इज कि कैसे, तो इसमें कीटोन फंक्शनल ग्रुप है तो 1, 2, 3 3 पे यहाँ पे भी चेंज करना, मतलब इधर OH होगा और इधर H होगा, बाकी केस में आपको OH राइट साइड में रखना है। तो ये हो गया आपका फरक्ट।
फ्रुक्टोज, जिसमें कीटोन फंक्शनल ग्रुप है, और इसको भी कैसे याद रखेंगे, 3D। तो देखो इसका स्ट्रक्चर भी बहुत ईजी याद रखना है, आपको समझा दिया। 3D वर्ड से मतलब थर्ड कार्बन पे आपको चेंज कर देना कॉन्फिग्रेशन को सिर्फ, बाकी सब में राइट में OH होंगे। तो ये जो हमने लिया एग्जांपल, ये आपका कैसा है, कीटो हेक्सोज, क्योंकि 6 कार्बन है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो कीटो हेक्सोज क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि कीटोन फंक्शनल ग्रुप है। अब इसका जब कन्वर्जन आप हावर्थ में करेंगे साइक्लिक एस्टर में, इसको बोलेंगे फिरानोज, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर इससे मिलता जुलता होगा। और जब ये बनेंगे तो कितने मेंबर की रिंग बनेगी, 5। ये भी कैसे, वो भी समझ लो। यहाँ पे क्या होगा, ये जो लास्ट काइरल सेंटर वाले OH होते हैं वो अटैक करते हैं इस कार्बोनिल कार्बन पे। तो आप देख सकते हो ये रिंग 6 मेंबर कैसे बनी, एक तो ये 1, एक ये वाले 2, एक ये वाले 3, एक ये 4, एक ये 5 और एक ये 6। तो इसलिए इसमें हमें 6 मेंबर रिंग बनाना पड़ेगा, समथिंग लाइक दिस। आपको अगर बनाना हो तो ये ऑक्सीजन इस टाइप से, बाकी स्ट्रक्चर कैसे लगाएंगे, ग्रुप कैसे लगाएंगे, उसके बारे में ट्रिक दूंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये एक 6 मेंबर रिंग हो गई आपकी, जिसमें 5 कार्बन है, 1 ऑक्सीजन है। तो ये हो गया आपका पायरेनोज। और अगर सपोज करो इसका बनाना होता तो अगेन ये वाला आपका अटैक करेगा यहाँ पे, तो आप देख सकते हो 1, 2, 3, 4 और ये 5। तो ये 5 मेंबर रिंग बनेगी, तो इसमें आपको ऑक्सीजन के साथ 5 मेंबर रिंग बना देना है। तो ये आपका हो गया फ्यूरन टाइप का, तो ये हो जाएगा फ्यूरनोज। तो इट्स वेरी इजी, राइट। अगर अल्डिहाइड होंगे तो 6 मेंबर रिंग बनेंगे, जिसमें 5 कार्बन होगा, 1 ऑक्सीजन होगा, और अगर कीटोन फंक्शनल ग्रुप होगा तो 5 मेंबर रिंग बनेंगे, जिसमें 4 कार्बन और 1 ऑक्सीजन होंगे। चलिए अब हम बात करते हैं ट्रिक्स की और उसके एप्लीकेशन की। तो देखो ट्रिक का बहुत सिंपल सा पॉइंट है कि जो फिशर प्रोजेक्शन में जो ग्रुप आपको राइट में दिखेगा, फिशर प्रोजेक्शन में जो ग्रुप राइट में होगा हावर्थ में, उसको डाउन कर देना है। याद कैसे रखेंगे, आर फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, R&D वर्ड से, R&D होता है राइट, R&D सेक्टर होते हैं। तो राइट वाले को डाउन में करना है, तो लेफ्ट वाले अपने आप क्या हो जाएंगे, अप आ जाएंगे। और जो CH2OH है डाउन वाला, सबसे नीचे वाला, उसको ऑलवेज आपको अप रखना है। तो ये ट्रिक का पॉइंट है कि फिशर से हावर्थ में जाएंगे तो राइट, जो फिशर में जो ग्रुप राइट में होंगे उसको डाउन में करना है, लेफ्ट वाले को अप में, और CH2OH जो सबसे नीचे वाला उसको ऑलवेज अप, वो फिक्स है ऑलवेज अप। ट्रिक का दूसरा पॉइंट कि हावर्थ में अल्फा या बीटा कब लगाते हैं। तो अगर आपका OH अप हो गया तो बीटा, याद कैसे रखेंगे, आप केमिकल इक्विलिब्रियम में, आयनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ोगे भी, जो बेस होता है उसको हम जनरली कैसे रिप्रेजेंट कर देते हैं, BOH से। तो बड़े लोग ऊपर होते हैं, एवं BOH, तो OH अगर अप होगा तो बी फॉर बेस, बी फॉर बीटा, तो उसको बीटा बोलेंगे। और अगर H अप हो गया तो उसको अल्फा, याद कैसे रखेंगे, HA, अगेन इक्विलिब्रियम में जो वीक एसिड होंगे उसको HA से, मोनोबेसिक एसिड को HA से रिप्रेजेंट करते हैं। HA का यहाँ पर क्या मतलब है कि H अगर अप है तो अल्फा, और अगर OH अप है तो बीटा। बड़े लोग ऊपर होते हैं, ऐसे याद रख सकते हो, बड़े लोग ऊपर होते हैं तो एबव तो बीटा, बी फॉर बड़े लोग, OH एबव तो बीटा। तो ये ट्रिक का पॉइंट है। नाउ मैंने एक एग्जांपल लिया है, आप ध्यान से देखो तो ये पहले है क्या वो पता कर सकते हैं। आप ध्यान से देखो तो ये कार्बन नंबर आपका 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। 6 कार्बन वाले अल्डिहाइड हैं, तो ये एल्डोहेक्सोज हैं। यहाँ पे कार्बन नंबर 3 पे कॉन्फ़िगरेशन चेंज है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, ग्लूकोज। ये आपका कौन सा है, ग्लूकोज। ग्लूकोज में भी कौन सा है, ये डी कॉन्फ़िगरेशन में या एल में, तो उसके लिए बताया था लास्ट काइरल सेंटर ये है, इस पे OH जो है आपका वो राइट साइड में, तो ये कैसा है, डी ग्लूकोज। ये है आपका डी ग्लूकोज। अगर इसका हावर्थ प्रोजेक्शन बनाना है तो कैसे बनाएंगे, वेरी सिंपल। समझाने के लिए ये लोन पेयर आपका इस कार्बन पे अटैक करेगा, क्योंकि ये जो कार्बन है वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन में है, 3 सिग्मा से 0 लोन पेयर से sp2 है। ट्राइगोनल प्लेनर आप देख सकते हो, अगर ऐसा स्ट्रक्चर है तो इस पे जो अटैक है वो अप से भी हो सकता है और डाउन से भी हो सकता है, तो दोनों साइड से अटैक हो सकते हैं। इसीलिए
यहाँ पे दो स्ट्रक्चर बनेंगे। तो अगर ये अटैक करता है तो आपको कैसे बनाना, बहुत सिंपल है। आपको सिंपल क्या करना है, ध्यान से देखो, ये आप इस सबको भूल जाना है। आपको क्या करना है, एक सिक्स मेंबर रिंग बनाना है जिसमें आपको ऑक्सीजन को ऐसे कर देना है इस टाइप से। बहुत ईजी है, ये सिक्स मेंबर रिंग बना दिया। ये जो ऑक्सीजन के इधर राइट वाला जो कार्बन है, ये कार्बन नंबर वन है आपका, ये टू, ये थ्री, ये फोर और ये फाइव। वेरी सिंपल। अब करना क्या, देखो ये कार्बन नंबर वन पे अगर आपने OH ऊपर रख दिया एक बार, OH अप, तो इसका जो ये वाला H है ये कहाँ रहेगा, डाउन में। ओके, एक कंडीशन ये है। और दूसरी कंडीशन क्या है कि आप ऐसा बना लें, आंख बंद करके पहले आप ऐसा बना लें। एक कंडीशन और क्या कर सकते हैं कि H को मैं अप रखूं और OH को डाउन में, तो ये भी एक कंडीशन है, तो ये भी हमने कर दिया। नाउ बाकी ग्रुप कहाँ लगाएंगे, तो आप ध्यान से समझो। तो ये कार्बन नंबर वन का हो गया कि उस पर OH अप या डाउन कर सकते हैं हम। कार्बन नंबर टू पे OH आपको किधर दिख रहा है वो देखो, कार्बन नंबर टू पे OH राइट में दिख रहा है, तो क्या कर देना है, आर डी, तो राइट में दिख रहा है तो OH कहाँ पे आ जाएगा, डाउन में, तो OH अपना आप कहाँ पे है, ऊपर में। कार्बन नंबर थ्री पे H आपका राइट में है, तो H राइट में है तो इसका मतलब H आपका डाउन में होगा, तो OH कहाँ पे हो जाएंगे, अप में। कार्बन नंबर फोर पे OH राइट में, राइट मतलब डाउन, आर एन डी, तो OH को डाउन करना है तो H अपने आप कहाँ पे हो जाएगा, अप में। कार्बन नंबर फाइव जो ऑलरेडी आपका O से ये कनेक्ट हो गया, ये वाला बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड, यही वाला, राइट। फाइव पे आपको हमने क्या बोला है कि जो लास्ट वाला CH2OH होगा वो ऑलवेज अप, CH2OH को ऑलवेज अप, इसलिए फाइव पे तो ऑलवेज अप आपको दिखाना है CH2OH, तो ये H हो गया। तो ये देखो मैंने डी ग्लूकोज को कन्वर्ट कर दिया उसके हावर्थ प्रोजेक्शन में। नाउ अब इसका क्या नाम होगा, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो इसका नाम कैसे करेंगे, ध्यान से देखो, वेरी सिंपल। आपका जो OH है वो कहाँ पे है, ऊपर में, एवम में, तो इसका नाम क्या हो जाएगा आप ही बता दो, तो नाम हो जाएगा बीटा डी ग्लूकोज। क्या नाम हो जाएगा, बीटा डी। डी क्यों, क्योंकि डी ग्लूकोज था डी कॉन्फ़िगरेशन में, बीटा क्यों लगा, क्योंकि OH अप। सिमिलरली जिसको एक बार नहीं समझा है फिर से देखो, इसका दूसरा स्ट्रक्चर मैं ऐसे ही बना सकता था, राइट। इसमें क्या क्या, OH डाउन में क्या, ये कार्बन नंबर वन, ये टू, ये थ्री, ये फोर, ये फाइव। नाउ द क्वेश्चन इज कि टू पे वही सेम पॉइंट, आपको क्या करना पड़ेगा, OH राइट में तो डाउन में, थ्री पे OH लेफ्ट में, डेट मीन्स H डाउन में, तो ये फिर H डाउन में, सॉरी H राइट में तो H डाउन में आ जाएंगे, तो OH आपका अप में आ जाएगा। फोर पे OH राइट में तो डाउन में आ जाएंगे। फाइव पे CH2OH ऑलवेज आपको कहाँ रखना, अप में। नाउ इसका नाम क्या हो जाएगा, चूंकि आपका OH डाउन में, या फिर यहाँ पे H से पता कर सकते हैं H अप में, तो सिर्फ नाम इसका क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा अल्फा डी ग्लूकोज। डी ग्लूकोज क्यों, क्योंकि डी कॉन्फ़िगरेशन से बनाया। अल्फा क्यों, क्योंकि H अप आ गया, तो ये अल्फा और बीटा का ये कहानी है। नाउ ये जो ऑक्सीजन से लगा हुआ कार्बन नंबर वन है, डैट मीन्स वो कार्बोनिल कार्बन जिस पे अटैक हुआ, ये वाला वो कार्बोनिल कार्बन जिस पे अटैक हुआ है, इसको बोलते हैं एनोमेरिक कार्बन। इसको बोलते हैं एनोमेरिक कार्बन। सब पॉइंट ध्यान से समझना, यही सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो कार्बोनिल कार्बन पे जो अटैक हुआ है, सी डबल बॉन्ड ओ वाला जो कार्बन है उसको बोलेंगे, डैट मीन्स कार्बन नंबर वन को एनोमेरिक। और आप कैसे पहचाने कार्बन नंबर वन कौन है, तो ऑक्सीजन के राइट साइड वाला को आपको 1 2 3 4 5 ऐसे करके चला जाना है। ओके, आप उल्टा भी कर सकते हो तो फिर ऐसे होता है, इसलिए कन्फ्यूजन न हो तो मैंने राइट साइड का ऐसे रखा है। तो ये एनोमेरिक कार्बन है। इस एनोमेरिक कार्बन पे चूंकि OH प्रेजेंट है, अगर कभी भी एनोमेरिक कार्बन पे अगर एटलीस्ट वन OH है, अगर OH प्रेजेंट है, तो ऐसे शुगर को बोलते हैं फिर रिड्यूसिंग शुगर। ये सब भी क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं। तो ये अभी इस कंडीशन में क्या होगा, रिड्यूसिंग शुगर होगा। वैसे ही ये एनोमेरिक कार्बन है, इस पे OH प्रेजेंट है, तो ये भी क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग शुगर, क्योंकि ये OH रिस्पॉन्सिबल है रिड्यूस होने के लिए, दैट मीन्स फर्दर ऑक्सीडाइज होने के लिए। नाउ द क्वेश्चन इज कि रिड्यूसिंग पहचान लेंगे, एनोमेरिक कार्बन पे अगर OH प्रेजेंट है तो उसको बोलेंगे रिड्यूसिंग शुगर। अब यहाँ पे एक पॉइंट और ध्यान देना है,
जो ये जो कार्बन है इसने एक तो ये इधर COC मतलब ये एक ईथर लिंकेज बनाया, इधर से एक ईथर लिंकेज बना, अभी भी इस पर एक OH है, तो चूंकि ये एल्डिहाइड से बना है तो इसका एक और नाम क्या हो जाएगा, इसको एक और नाम क्या बोल सकते हैं, इसको बोलेंगे हेमी एसीटल, क्योंकि अभी इसमें एक OH है, एक ही आपका ईथर लिंकेज है। अगर एनोमेरिक कार्बन पे एक ही ईथर लिंकेज होगा तो उसको बोलेंगे हेमी एसीटल, यहाँ भी एक ही ईथर लिंकेज है तो इस ये भी क्या हो गया, हेमी एसीटल। एसीटल क्यों, क्योंकि अल्डिहाइड से बना है, अगर कीटोन से बनता तो क्या बोलते हैं, कीटल। तो बहुत सारे पॉइंट इसमें हमने समझाया है, आई होप आपको क्लियर होगा कि कैसे मैंने एक ग्लूकोज को लिया है, और जरूरी नहीं कि कोई भी स्ट्रक्चर ले सकते हैं, उसका मैंने एक कॉन्फ़िगरेशन को अवर्थ में, और उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अब क्या है, एनोमेरिक कार्बन किसको बोलते हैं, कब आप बोलेंगे किसी शुगर को कि वो रिड्यूसिंग होगा या नॉन रिड्यूसिंग, अगर एनोमेरिक कार्बन पे OH प्रेजेंट है तो वो रिड्यूसिंग होगा, नहीं है तो वो नॉन रिड्यूसिंग होंगे, और ओनली जो सुक्रोज है वही नॉन रिड्यूसिंग है, बाकी सारे शुगर रिड्यूसिंग है, तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो। एंड हेमी एसीटल या हेमी कीटल से आप क्या समझते हैं, अल्फा नेमिंग कब करेंगे, बीटा नेमिंग कब करेंगे, और इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे, बहुत ही सिंपल है। नाउ एक और एग्जांपल लिया मैंने, यहाँ पे आप ध्यान से देखो तो कीटोन फंक्शनल ग्रुप है राइट, और ये हो गया आपका कार्बन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 और 6, 3 पे ही सिर्फ चेंज है, तो आपको बताया था ये कौन सा हो जाएगा आपका, फ्रक्टोज, ये आपका हो गया फ्रक्टोज, और ये किस कॉन्फ़िगरेशन में है, तो लास्ट कार्बन पे OH राइट साइड में है, तो ये डी फ्रक्टोज हमने लिया है। अब इसका हावर्थ प्रोजेक्शन में, तो पहले आपको बोला कि आपको कुछ नहीं करना है, आंख बंद कर करके पहले एक 5 मेंबर रिंग बना देना है विथ 4 कार्बन, ये बना दिया। उसके बाद ध्यान से देखो ये वाला जो OH का लोन पेयर है ये इस कार्बोनिल कार्बन पर अटैक करेगा, अगेन अटैक बोथ साइड से हो सकते हैं, तो इस कार्बन पर ग्रुप क्या है, एक तो ये CH2OH है, और जब ये अटैक करेगा तो ये पाई बॉन्ड ब्रेक होकर के एक OH आ जाएंगे राइट। तो वही चीज़ है, ये वाला कार्बन नंबर अगर मैं 2 मान रहा हूँ, क्योंकि ये कार्बन नंबर 1 ऑलरेडी आपका आ चुका है, तो अगर इसमें OH अप है तो CH2OH, ये कंडीशन हो सकते हैं, ये कार्बन नंबर 1 है। और दूसरा आप क्या कर सकते हैं, वही चीज़ आँख बंद कर करके पहले आप क्या करें, एक 5 मेंबर रिंग बना दें राइट, ये हमने बना दिया। अब दूसरा कंडीशन उल्टा हो सकता है कि ये CH2OH अप हो, क्योंकि बोथ साइड अटैक हो सकता है और OH डाउन हो, तो ये कार्बन नंबर 1 है और ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 1, 2, ये 3, ये 4, ये 5। नाउ 1, 2 तो हो गया, 3 पे आप देखो H आपका कहाँ पे है, राइट में, तो राइट है तो मतलब डाउन में, तो OH कहाँ चला जाएगा आपका, अप। 4 पे OH राइट में मतलब डाउन दिखाना है, तो ये OH डाउन राइट, यहाँ पे कुछ नहीं तो कौन है, H। और जो 5 वाले हैं उस पर क्या आपका CH2OH, उस पर ऑलवेज अप रखना CH2OH को, तो CH2OH अप हो गया तो H अपने आप कहाँ हो जाएंगे, डाउन में। सिमिलरली अगर यहाँ से समझे तो ये दोनों चीज़ें तो अटैक करने की वजह से अप डाउन हो सकती हैं, 3 पे आपका H राइट में है तो डाउन में होगा तो OH अप में हो जाएंगे, 4 पे OH राइट में तो डाउन में हो जाएगा, 5 पे ऑलवेज CH2OH आपको अप रखना है, तो ये मैंने अप रख दिया तो ये डाउन हो गया। नाउ अगेन इसका नेमिंग कैसे करेंगे, तो यहाँ पे OH आपका कहाँ है, अप में, तो ये क्या हो जाएगा, सिर्फ इसमें क्या वर्ड आ जाएगा आपका, बीटा, और डी फ्रक्टोज तो रहेगा राइट, बीटा डी फ्रक्टोज, और इसका नाम क्या हो जाएगा, अल्फा डी फ्रक्टोज, वेरी सिंपल राइट, क्योंकि OH यहाँ पे डाउन में, तो अल्फा डी फ्रक्टोज। अगेन ये वाला यहाँ पे कार्बन नंबर 2 जो है वो एनोमेरिक कार्बन है, यहाँ पे OH प्रेजेंट है, तो इसलिए ये कैसा होगा, रिड्यूसिंग, एनोमेरिक कार्बन पे, डैट मीन्स कार्बोनिल कार्बन वाला जो कार्बन है उसको एनोमेरिक कार्बन बोलते हैं, एनोमेरिक कार्बन पे अगर OH प्रेजेंट है तो रिड्यूसिंग होगा, यहाँ भी कार्बोनिल कार्बन ये है, OH प्रेजेंट है तो ये भी एक रिड्यूसिंग शुगर है आपका। और जो कार्बोनिल कार्बन है उसमें एक ही ईथर लिंकेज है, ROR, एक ही है राइट, बाकी नहीं है, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे, हेमी, और चूंकि ये कीटोन से आया तो हेमी कीटल। अगर मान लो कि इस H को हटा करके मैं अगर कोई
और कार्बन ऐड कर देता तो ये एनोमेरिक कार्बन दो ईथर लिंकेज बना रहा होता, तो इसलिए फिर बोलते उसको सिर्फ कीटल। और अभी आधा ही बना है तो हेमी कीटल, ये भी क्या हो जाएगा आपका हेमी कीटल। तो आई होप ये आपको कन्वर्जन रिड्यूसिंग होगा नॉन रिड्यूसिंग होगा, एसिटल कीटल कब बोलेंगे, ये सब बहुत अच्छे समझ में आया होगा। नाउ जाते जाते एक ज्ञान की बात और डेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि मैंने यहाँ पे एक अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप लिया और इसकी रिएक्शन एसिडिक मीडियम में किसी अल्कोहल से कराएंगे तो ये जो अल्कोहल का ऑक्सीजन का लोन पेयर है ये न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा और ये यहाँ पे जाकर के आपका अटैक करेगा और ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो फर्स्ट स्टेप में आपका कैसा बन जाएगा CH3, इस कार्बन पे आपका वो OH आ गया, H हो गया और ये वाला OR आपका आ चुका। आर कोई भी एल्काइल ग्रुप होंगे राइट, लाइक CH3OH ले सकते हैं। तो ये वाला जो पार्ट बना ये अल्डिहाइड से बना है तो इसको बोलेंगे हेमी एसिटल, क्यों, क्योंकि अभी भी इस पे एक OH प्रेजेंट है, अभी एक ही ईथर लिंकेज है, वन ईथर लिंकेज अगर होगा तो आप उसको बोलेंगे हेमी एसिटल। अगर फर्दर इस पे मैं वन मोल H प्लस एंड ROH ले लेता एक और मोल तो फिर क्या होता, ये H प्लस इसको OH को वाटर के फॉर्म में निकाल करके ये फिर से OR अटैच हो जाते तो ये CH3C इस पे फिर से OR H और OR, तो यहाँ पे दो ईथर लिंकेज हो गए तो इसका नाम क्या हो जाएगा सिर्फ एसीटल, इसको बोलेंगे एसीटल, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। यहाँ पे क्या है दो ईथर लिंकेज है आपका। सिमिलरली अगर कीटोन अगर हमने लिया होता फंक्शनल ग्रुप में तो फर्स्ट केस में वही चीज कि ये इस पे जाकर के अटैक करता तो आपका कौन जाता CH3COH, इधर CH3 था ही आपका राइट और ये OR, तो यहाँ पे अगेन एक ही ईथर लिंकेज है तो इसका नाम हो जाएगा हेमी और चूंकि ये कीटोन से बन रहा है तो इसको बोलेंगे कीटल। सिमिलरली अगर एक मोल और H प्लस आपने लिया इन प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल वन मोल और लेते तो ये वाटर आपका निकल जाता और ये OR आ जाता तो ये CH3COR, इसका CH3 पहले से ही है तो यहाँ पे दो ईथर लिंकेज हो गए COC वाले तो इसलिए इसका नाम हो जाएगा फिर कीटल। तो हेमी मतलब एक OH प्रेजेंट होगा तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ कि सर ये इंपॉर्टेंट तो ठीक है, इसका यूज क्या, देखो यूज क्या है उसको मैं एक क्वेश्चन से समझा रहा हूँ कि अगर आपने ये रिएक्टेंट लिया और आप प्रोडक्ट ये चाह रहे हैं डैट मीन्स सिर्फ डबल बॉन्ड को यहाँ से हटाना चाह रहे हैं अल्डिहाइड को वैसा ही रखना चाह रहे हैं तो आप डायरेक्ट H2 और Ni यूज नहीं कर सकते क्योंकि ये यूज करेंगे तो ये डबल बॉन्ड को तो हटा के सिंगल कर देगा और अल्डिहाइड को अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा जो कि मेरे रिड्यूसिंग वाले ट्रिक में आपको दे रखा हूँ तो हम डायरेक्ट नहीं यूज कर सकते। तो फिर करें क्या, तो आपको इसको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, ये जो एक्चुअली हम कर रहे हैं वो प्रोटेक्शन कर रहे हैं तो प्रोटेक्ट करना हमें, तो प्रोटेक्ट कैसे करेंगे तो आप वही अल्कोहल वाला ऐड कर दीजिए तो क्या करेगा ये आपका CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 और ये कार्बन से ये वाला OCH2 OCH2 ये आपका इस तरीके से प्रोटेक्ट हो गया। ये ईथर लिंकेज डायरेक्ट हमने क्या बना दिया है, अल्डिहाइड था तो डायरेक्ट हमने एसिटल बना दिया क्योंकि दो OH थे राइट, तो ये प्रोटेक्ट हो गया। ईथर पे कभी भी अब रिएक्शन नहीं होगी इस पे, इवन दो ग्रिग्नार्ड एजेंट भी अगर आप RMGX भी अगर लोगे तो भी ये रिएक्शन नहीं करेगा तो ये प्रोटेक्ट हो गया। अब इस पे आप क्या करो H2Ni ऐड कर दो तो क्या हो जाएगा ये डबल बॉन्ड आपका गायब हो जाएगा तो ये हो जाएगा CH3CH2CH2 और ये जो C था आपका जिसपे एक H पहले से है राइट और इसका ये ऑक्सीजन के साथ ही आपका कनेक्ट हो गया। अब इसका क्या कर दो आप हाइड्रोलिसिस कर दो, आप इस पे वाटर डाल दो तो आपको ये मिल जाएंगे तो ये इस तरीके से प्रोटेक्शन वाला काम चलता है कि अगर किसी को रिड्यूस करना है किसी को नहीं करना है तो फिर हम इस तरीके से करते हैं। तो ये ज्ञान की बात भी जो मैं देता हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको ज़रूर आप देखा करें। ज्ञान की बात में एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये हमने एक फिशर प्रोजेक्शन बनाया, इसका हवार्थ प्रोजेक्शन आपको कैसे बनाना है बता दिया राइट, आपको पहले आँख बंद करके इस टाइप का एक 6 मेंबर वाला रिंग बना लेना जिसमें एक ऑक्सीजन हो जाएगा राइट
उसके बाद आपको क्या करना था कि नंबरिंग कर देना था, राइट। इधर से ये 1, 2, 3, 4 और ये 5, राइट। यहाँ पे ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6 हो जाएंगे। तो 5 वाले पे CH2OH, जो 5 वाला कार्बन है उस पे जो CH2OH है वो ऑलवेज अप करना था, राइट। उसके बाद हमने क्या बोला था कि आपको ये एनोमेरिक कार्बन पे आप जैसे भी चाहो, अगर मैं OH को अप रखा तो H को डाउन एंड वाइस वर्सा, तो वो तो डिपेंड करेगा अल्फा बीटा। तो मैं कोई एक पार्ट बना लिया, कार्बन नंबर 2 पे OH राइट में है तो क्या कर देना है, डाउन, राइट। कार्बन नंबर 3 पे OH राइट में है तो क्या कर देना है, डाउन, राइट। कार्बन नंबर 4 पे OH लेफ्ट में है तो क्या कर देना आपको, अप। और 5 पे CH2OH ऑलवेज। तो ये मैंने एक फिशर प्रोजेक्शन से, ध्यान से देखो, एक फिशर से क्या बना लिया, हावर्थ प्रोजेक्शन बना लिया। नाउ मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि यहां पे हमारे पास कायरल कार्बन कितने थे, इस स्ट्रक्चर में कायरल कार्बन कितने थे, तो ध्यान से देखो 4 थे। ये कायरल कार्बन है, चारों ग्रुप डिफरेंट, ये भी हैं, ये भी हैं और ये, 4 कायरल कार्बन थे। बट जब आपने हावर्थ प्रोजेक्शन बनाया तो कायरल कार्बन कितने के, ध्यान से देखो, 1, 2, 3, 4, 5, तो कायरल कार्बन क्या हो गया, एक इंक्रीज हो चुका है, 5 कायरल कार्बन हो गए। तो कहने का मतलब है कि फिशर में 4 है और हावर्थ में 5 है। तो वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि आप अपने माइंड को, आँख को, दिमाग को पूरा खोल के रखना है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं एग्जाम में और वहाँ पे माइंड काम ही नहीं करता है कि इसमें कितना कायरल कार्बन है, उसमें कितना है। तो यू हैव टू बी केयरफुल। हेलो माय फ्रेंड्स, कैसे हो, मैं हूं आपका रफ़ी सर और आज मैं आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट ट्रिक देने जा रहा हूं और डैट इज ऑल अबाउट बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर में कार्बोहाइड्रेट के बारे में। तो यू नो कार्बोहाइड्रेट को बेसिकली हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। 1 इज कॉल्ड मोनोसैकेराइड, 2 इज कॉल्ड ओलिगो एंड 3 इज कॉल्ड पॉली। तो पहला कौन हो गया आपका, मोनो। तो मोनो वर्ड से क्लियर है कि 1, दूसरा है ओलिगो, राइट, और तीसरा आपका पॉलीसेकेराइड्स। तो आप किस कंडीशन में मोनो बोलेंगे, ओलिगो बोलेंगे एंड पॉली बोलेंगे, तो डैट्स वेरी सिंपल। आप क्या करेंगे, इस कार्बोहाइड्रेट को वाटर में डाल देंगे, डैट मीन्स उसको नहा देना है। पानी में डालने के बाद आपको देखना है कि हो क्या रहा है। अगर पानी में डालने के बाद वो ब्रेक नहीं हुआ, फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं हुआ, डैट मीन्स आपने ये डाला और ऐसा ही रह गया, तो इसको बोलेंगे मोनोसैकेराइड्स। और इसके एग्जांपल भरे पड़े हैं, जैसे ग्लूकोज। ग्लूकोज में यू नो 4 कायरल सेंटर है, राइट, तो 16 इसका आइसोमर होंगे, तो वो 16 के 16 सब क्या है, मोनोसैकेराइड। फ्रक्टोज, ग्लूकोज का ही एक आइसोमर, राइट, मैनोज या राइबोज, तो ये सारे के सारे आपके क्या है, मोनोसैकेराइड है, डैट मीन्स इन सबको वाटर में डालोगे तो फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं होगा, जो आपने डाला वो उसी फॉर्म में रह जाएगा। और ये सारे के सारे क्या होंगे, रिड्यूसिंग होंगे नेचर में। रिड्यूसिंग इन द सेंस कि अगर इसकी रिएक्शन फेलिंग सॉल्यूशन से कराओगे या टॉलिंस रिएजेंट से कराओगे तो ये रिएक्शन कर जाएंगे, ओके। तो ये खुद टॉलिंस वाले जो Ag प्लस होते हैं वो रिड्यूस हो जाएंगे और ये सब ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, तो इसलिए इसको बोलते हैं रिड्यूसिंग सुगर। तो सारे के सारे मोनोसैकेराइड क्या हैं, रिड्यूसिंग है। अब हम आते हैं, बात करते हैं ओलिगो पे, क्योंकि इसके बारे में ऑलरेडी मैं डिटेल में अपने वीडियो लेक्चर में पढ़ा रखा हूँ। आज जो मेरा इंपॉर्टेंट लेक्चर रहेगा वो इस पे ही मेनली रहेगा, बट क्लासिफिकेशन के बाद मैं उसको डिस्कस करता हूँ। ओलिगो का मतलब क्या है कि अगर आपने कोई सैकेराइड डाला और आपको मिल गया 2, तो इसको बोलेंगे ओलिगो, या 3 मिल गए, ब्रेक हो गई है 3 पार्ट में, तो भी बोलेंगे ओलिगो। तो 2 से लेकर के 10 यूनिट तक, 2 से 10 यूनिट में अगर ब्रेक हो गया वाटर में डालने के बाद, तो इसको बोलेंगे ओलिगो, जिसमें हमें अभी इस वीडियो लेक्चर में 2 के बारे में पढ़ना है कि अगर 2 में ब्रेक होते हैं तो कैसे उसके स्ट्रक्चर नेम ये सबको याद रखेंगे। 2 में ब्रेक होंगे तो डाइसैकेराइड, 3 में होंगे तो ट्राई, 4 में होंगे तो टेट्रा एंड सो ऑन, ये नेम पड़ जाएगा। तो अगर आपने सैकेराइड को वाटर में डाला और 2 से 10 यूनिट मिल रहा है तो उसको बोलेंगे ओलिगो। उसका एग्जांपल है आपके पास सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज, जो आज के लेक्चर का इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको पढ़ने वाले हैं। इसमें सिर्फ सुक्रोज नॉन रिड्यूसिंग है, बाकी ये दोनों आपका क्या है, रिड्यूसिंग है।
ये दोनों आपका R फॉर रिड्यूसिंग, ये दोनों रिड्यूसिंग है, सिर्फ सुक्रोज नॉन रिड्यूसिंग है। और तीसरा पॉलीसेकेराइड्स, तो नेम से क्लियर है कि अगर इसको वाटर में डाला तो बहुत सारे आपको, मतलब 10 से ज़्यादा होना चाहिए, एक पॉइंट तो ही हो गया, 10 से ज़्यादा अगर आपको यूनिट मिल रहा है तो उसको बोलेंगे पॉलीसेकेराइड। उसका एग्जाम्पल है स्टार्च और सेलुलोज। तो यू नो सेलुलोज जो है वो प्लांट सेल में मिलता है, राइट, ये सब लोग जानते हैं, जस्ट इन्फॉर्मेशन, सेलुलोज प्लांट सेल में मिलता है, याद रखने के लिए पीसी वर्ड से कि प्लांट सेल में सेलुलोज मिलता है। और जितने भी पॉलीसेकेराइड हैं सब नॉन रिड्यूसिंग है। तो देखो मैं रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग का सीधा कंसेप्ट ही क्लियर कर देता हूँ, आपके पास सारे के सारे रिड्यूसिंग है एक्सेप्ट पॉलीसेकेराइड और ओलिगो में सुक्रोज, इनको छोड़ करके बाकी सब आपके रिड्यूसिंग है, डैट मीन सुक्रोज एंड पॉलीसेकेराइड नॉन रिड्यूसिंग है। ये जो पॉलीसेकेराइड है वो स्वीट नहीं होते हैं, इसलिए इसको कभी कभी हम लोग नॉन शुगर के नाम से बुलाते हैं। तो कभी क्वेश्चन ऐसे ही पूछ सकता है, चार ऑप्शन दे दिया विच इज नॉन शुगर, तो वो पॉलीसेकेराइड होंगे, डैट मीन्स स्टार्च या सेलुलोज ऑप्शन में से हो जाएगा, क्योंकि ये स्वीट नहीं होते। तो ये हो गया इंट्रोडक्शन आज के लेक्चर में। अब हम बात करने वाले किस पे, डाइसेकेराइड पे, कि अगर हमने कार्बोहाइड्रेट को वाटर में डाला, दो मॉलिक्यूल मिले, तो वो किस किस से मिलके बने होंगे, उसके स्ट्रक्चर एंड उससे रिलेटेड प्रॉब्लम कैसे पूछे जा सकते हैं, उसको डिस्कस करेंगे। चलिए अब हम बात करते हैं ट्रिक्स की, और रफ़ी सर जो ट्रिक्स देते हैं वो कंसेप्ट के साथ देते हैं, ये ध्यान रखना, कंसेप्ट के साथ मैं ट्रिक देता हूँ, हवा में बातें नहीं करता हूँ। तो देखो ट्रिक का पॉइंट क्या है कि हमें जो पढ़ना है वो डाइसेकेराइड पढ़ना है, डैट मीन्स वाटर में डालने पे आपको दो यूनिट मिलेंगे मोनोसेकेराइड्स के। तो कौन कौन है डाइसेकेराइड, तो एक तो सुक्रोज है आपके पास, एक है माल्टोज और एक है लैक्टोज, ओके। तो सुक्रोज को अगर वाटर में डालेंगे तो आपको क्या क्या मिलेगा, एक अल्फा डी ग्लूकोज मिलेगा और एक बीटा डी फ्रक्टोज मिलेंगे। सिमिलरली अगर माल्टोज को डालोगे तो दो मॉलिक्यूल ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज मिलेंगे, और लैक्टोज को अगर वाटर में ऐड करोगे तो वन मॉलिक्यूल ऑफ बीटा डी गैलेक्टोज मिलेगा और अनदर मॉलिक्यूल ऑफ बीटा डी ग्लूकोज मिलेगा। नाउ देखो एग्जाम में प्रॉब्लम क्या होती है कि अब ये सब चीज़ें याद होनी चाहिए, तो हम पहले आपको समझाएंगे और फिर उसके बाद रफ़ी सर का ट्रिक्स वर्क करेगा। अब इसको याद कैसे रखेंगे, तो देखिए हमने बनाया है बहुत ही इजी वे में, कनेक्ट किया है, ध्यान से देखो सुक्रोज को हम कैसे याद रखेंगे। मैंने अल्फ़ा वर्ड से उठाया है अरे, अल्फ़ा से अरे, ओके, बीटा से बाबा, अरे बाबा, डी फॉर डेक्स्ट्रो मतलब देखो, अरे बाबा देखो, जो जी है ग्लूकोज का जी, राइट, और फ्रक्टोज का एफ, जी एफ, अरे बाबा देखो जी एफ का, कनेक्टिंग वर्ड है, अरे बाबा देखो जी एफ का सुक्रोज, तो शुक्र करो, तो मेरा राइमिंग वर्ड क्या है, किसी को भी याद हो जाएगा, अरे बाबा देखो जी एफ का शुक्र करो। तो इसका क्या मतलब हुआ सर, तो मतलब ये हुआ अरे बाबा का मतलब क्या, अरे का मतलब क्या है कि अल्फा, बाबा मतलब बीटा, तो अल्फा डी देखो मतलब इसमें दोनों ही डेक्स्ट्रो हैं, चाहे वो ग्लूकोज हो या फ्रक्टोज हो। ग्लूकोज वाला क्या है, पहले जो लिखा अरे बाबा, तो अरे के लिए पहले जी आ गया, बाबा के लिए, फ्रक्टोज के लिए बीटा वर्ड आ गया, तो वेरी सिंपल वर्ड हो गया अरे बाबा देखो जी एफ का शुक्र करो। तो डैट मीन्स अल्फा डी ग्लूकोज, अरे मतलब अल्फा डी ग्लूकोज और बाबा मतलब बीटा, और डी फॉर देखो डेक्स्ट्रो, दोनों ही डेक्स्ट्रो हैं, और जी एफ पहला वर्ड ले लिया, शुक्र मतलब अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज से सुक्रोज मिलेगा आपको। वैसे इसको कैसे याद रखेंगे माल्टोज को, तो इसमें क्या मिल रहा है, दो मॉलिक्यूल ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज, तो डी से अगेन डेक्स्ट्रो देखो, ओके, ग्लूकोज से मैंने गोल वर्ड बना दिया है, माल्टोज का माल वर्ड ले लिया, राइट, तो गोलमाल, तो क्या कैसे याद रखेंगे, देखो गोलमाल, गोलमाल एक पिक्चर थी, राइट, देखो गोलमाल का क्या मतलब है, यहाँ पे समझो, देखो मतलब ये हो गया डेक्स्ट्रो, गोल मतलब ग्लूकोज, और माल मतलब देखो एम ए एल से तो माल्टोज हुआ, ये ए क्या बता रहा है कि अल्फा वाला लेना आपको, तो इसमें दोनों कौन है, अल्फा वाला, ए फॉर अल्फा, तो देखो गोल माल से याद रख लेंगे। लैक्टोज को कैसे याद रखोगे आप, तो इसमें बीटा डी गैलेक्टोज हैं और बीटा डी ग्लूकोज हैं, तो बीटा से मैंने बना लिया बेटा,
और दोनों डी है तो डी से बना लिया, डेक्स्ट्रो से बना लिया, देखो, तो कैसा वर्ड हो गया, बेटा देखो, बेटा देखो, क्या देखना है कि अगर गला में ग्लू लगाओगे, बेटा देखो गला में ग्लू लगाओगे तो लखपति बन जाओगे। तो क्या है ये वाला ट्रिक, बेटा देखो गला में ग्लू लगाओगे लखपति बन जाओगे। तो ये कनेक्शन कैसे हुआ, बेटा मतलब बीटा, देखो मतलब डी, गला मतलब गैलेक्टोज, ग्लू मतलब ग्लूकोज, तो क्या बन जाओगे, लखपति मतलब लैक्टोज मिल जाएगा। तो आई होप ये मेरा ट्रिक समझ में आया होगा। अब हम इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं, चलिए अब हम बात करते हैं कि इसके स्ट्रक्चर को कैसे ड्रॉ करेंगे। तो डैट्स वेरी सिंपल, आप ध्यान से देखो, तो मैंने एक इधर फिशर प्रोजेक्शन लिया है, आप देखो कि OH राइट में है, तो ये मेरा कौन है, डी ग्लूकोज। मैंने कैसे याद करवाया था, कार्बन नंबर 3 पे कॉन्फ़िगरेशन चेंज है, 3G वर्ड से बोला था आपको, बाकी सब में OH राइट में, तो ये डी ग्लूकोज है। ये आपका फ्रक्टोज हो जाएगा, इसमें भी OH राइट में है, तो ये आपका डी फ्रक्टोज है, राइट, क्यों, क्योंकि कार्बन नंबर 3 पे चेंज है, बाकी सब में OH राइट में है। और ये जो आपका वो गैलेक्टोज है, राइट, गैलेक्टोज है, कैसे, क्योंकि इसमें कार्बन नंबर 3-4 दोनों पे हमने चेंज कर दिया। आप देख सकते हो 3 पे भी OH लेफ्ट में आ गया, 4 पे भी OH लेफ्ट में आ गया है, तो 3-4 दोनों पे चेंज कर देंगे तो गैलेक्टोज हो जाएगा। ये मेरा वीडियो लेक्चर नंबर 1 में ट्रिक दे रखा आपको। इन सब का मैंने हावर्थ प्रोजेक्शन बनाया है, जो कि अगेन ट्रिक में दे रखा हूँ। और यहाँ पे अगर OH अप में होगा तो उसको बीटा बोलेंगे, OH डाउन में होगा तो अल्फ़ा, वैसे ही सेम OH अप में होगा तो बीटा, OH डाउन में होगा तो अल्फ़ा, OH अप में तो बीटा और अल्फ़ा। तो ये मैंने हावर्थ प्रोजेक्शन बना लिया है, क्योंकि ये अल्डिहाइड है तो इसका पायरेन से बनेगा, और ये कीटोन है तो इसका फ्यूरेन से बनेगा, राइट। तो इधर में 5 में बनेंगे और इधर में 6 में बनेंगे, तो ये हावर्थ प्रोजेक्शन भी कैसे बनाना है ये आपको बता रखा हूँ। नाउ हम बात करते हैं अपना डाइसैकेराइड, डैट इज़ सुक्रोज। तो सुक्रोज कैसे आपको याद करवाया था, याद करो कि अरे बाबा देखो GF का शुक्र करो, राइट। तो अरे बाबा मतलब एक तो आपको अल्फा डी ग्लूकोज लेना है, राइट, और एक बीटा डी फ्रक्टोज लेना है, राइट। अरे बाबा देखो GF का शुक्र करो, राइट। नाउ द क्वेश्चन इज कि अल्फा डी ग्लूकोज, यस आपके सामने में अल्फा डी ग्लूकोज, तो आप क्या करेंगे, एक अल्फा डी ग्लूकोज बना ले, राइट। अल्फा डी ग्लूकोज का क्या मतलब हो गया, अल्फा मतलब क्या हो गया कि OH डाउन में, राइट, तो इधर OH डाउन में H अप में, ये कार्बन नंबर 2, 3, 4 और ये 5 और 6, तो इधर CH2OH अप, ये वाला बना सकते हैं अल्फा। यहाँ से भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ये आपका एनोमेरिक कार्बन नंबर 1, 2 पे अगर ध्यान से देखो OH राइट में है तो यहाँ पे डाउन हो जाएगा, 3 पे OH लेफ्ट में है तो यहाँ पे अप हो जाएगा, राइट, 4 पे OH राइट में है तो डाउन हो जाएगा। तो ये आपका मैंने बना दिया अल्फा डी ग्लूकोज, ये हो गया अल्फा डी ग्लूकोज। और बीटा डी फ्रक्टोज कैसे बनाएंगे, तो यहाँ से ले सकते हैं, राइट, तो बीटा डी फ्रक्टोज का मतलब क्या हो गया कि एक तो पहले आप क्या करो, फ्रक्टोज बनाओ, राइट, तो इधर ये ऑक्सीजन ले करके ये हमने कनेक्ट कर दिया, ओके। मान लेते हैं ये एनोमेरिक कार्बन है, तो ये हो जाएगा आपका बीटा डी बनाना है, ये ध्यान रहे, तो बीटा का मतलब क्या होगा कि OH आपका अप में रहेगा, राइट, और CH2OH डाउन में रहेंगे, और इधर ये, तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3, 4 और 5, तो 3 पे आप ध्यान से देखो उसमें, तो 3 पे OH लेफ्ट में है, तो 3 पे OH लेफ्ट मतलब अप में हो जाएगा, 4 पे OH राइट में है तो डाउन में हो जाएंगे, और CH2OH ऑलवेज अप रखना है, तो ये हमने बना दिया बीटा डी फ्रक्टोज। देखो बहुत सिंपल है, राइट, ये दोनों बना दिया। और आपको क्या करना है, इसका मान लो H ले लिया और इसका OH, ये वाटर आपको बाहर कर देना है, तो ये वाटर बाहर करते ही आप ध्यान से देखो क्या हो गया, एक ऑक्सीजन ये वाला इससे अटैच हो जाएगा, ये हमने बाहर कर दिया, COC मतलब ईथर लिंकेज आ गया, राइट। तो अगर आप ध्यान से देखो तो जो आपका अल्डिहाइड का था वो C1 कार्बन इन्वॉल्व है, और जो आपका
कीटोन है, फ्रक्टोज है, उसका C2 कार्बन, तो ये 1-2, इसलिए मैंने लिखा है ये 1-2 लिंकेज है। अल्डिहाइड का एनोमेरिक कार्बन और कीटोन वाला भी एनोमेरिक कार्बन, तो कार्बन नंबर 1 और इसका कार्बन नंबर 2 इन्वॉल्व है, तो ये 1-2 लिंकेज है। आप ध्यान से देख सकते हो इस एनोमेरिक कार्बन पे आप कोई OH ग्रुप नहीं है, क्योंकि ये जो था वो तो इन्वॉल्व हो गया आपका किस में, इस लिंकेज को बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। डैट मीन्स एनोमेरिक कार्बन का जो ऑक्सीजन है वो इन्वॉल्व हो जाए दूसरे कार्बन के साथ, तो उसको बोलेंगे ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो ये ग्लाइकोसिडिक लिंकेज में चला गया, इसलिए ये क्या हो जाएंगे, नॉन रिड्यूसिंग शुगर, क्योंकि अब यहाँ पे एनोमेरिक कार्बन ये वाला और एनोमेरिक कार्बन ये वाले पे आपका कोई भी OH ग्रुप नहीं है, तो ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर है सुक्रोज। ये अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज से मिलकर बना है। अल्फा डी ग्लूकोज का कार्बन नंबर 1 एनोमेरिक कार्बन और बीटा डी फ्रक्टोज का एनोमेरिक कार्बन नंबर 2, इसलिए ये 1-2 लिंकेज है। नाउ इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि वैसे तो ये सुक्रोज जो है वो आपका डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, डैट मीन्स ये लाइट को राइट रोटेट करेगा, लेकिन इसका जब आप हाइड्रोलिसिस करते हैं तो आपको जो मिल रहा है डी ग्लूकोज तो आपका डेक्स्ट्रो है राइट, और ये जो बीटा डी फ्रक्टोज है ये लीवो रोटेटरी है, ये लीवो है, तो ये अप्रॉक्स 52 डिग्री से रोटेट करेगा अगर प्लस में, तो ये -92 से आपका बैक उल्टे डायरेक्शन में करेगा। तो ओवरऑल आप ध्यान से देख सकते हो ये जो मिक्सचर है वो कैसा हो जाएगा, लीवो रोटेटरी राइट। ओवरऑल ये जो मिक्सचर है मेरा वो लाइट को उल्टे डायरेक्शन में रोटेट करेगा, इसलिए इस प्रोडक्ट को डैट मीन्स सुक्रोज के हाइड्रोलिसिस से ये जो दोनों प्रोडक्ट मिल रहे हैं इनके मिक्सचर को हम बोलते हैं इन्वर्ट शुगर। क्या बोलेंगे, इन्वर्ट शुगर। तो ध्यान दो, इसमें मैंने बहुत सारी पॉइंट आपको बताया और सारे क्वेश्चन आपको इन्हीं में से कुछ ना कुछ पूछे जाएंगे कि कौन कौन सा लिंकेज है, रिड्यूसिंग है कि नहीं, इन्वर्ट शुगर किसको बोलते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं माल्टोज के बारे में। तो राइट, तो माल्टोज का हमने क्या ट्रिक दिया था, देखो गोलमाल, तो डैट मीन्स आपको दो मॉलिक्यूल लेना आपको अल्फा डी ग्लूकोज के राइट। तो ये मैं बना रहा हूँ, अल्फा बनाना मेरे को राइट, तो अल्फा मतलब हेच ऊपर OH नीचे, तो ये CH2OH हो गया। दूसरे वाले कार्बन पे OH राइट में है तो डाउन, तीसरे वाले पे OH लेफ्ट में है तो अप, OH ये। और वैसा ही एक ये हो गया आपका अल्फा डी ग्लूकोज, और एक मॉलिक्यूल और एक मुझे बनाना है तो इसी टाइप का एक मॉलिक्यूल और आप बना लें राइट। अगेन हमें अल्फा ही लेना है तो हेच अप OH डाउन में, यहाँ पे OH डाउन, यहाँ पे OH अप, यहाँ पे OH डाउन, और ये CH2OH हो गया। अब क्या करना है आपको, इसका OH और इसका H ये वाटर बाहर कर देना राइट। तो ये मैं बाहर कर दे रहा हूँ, तो आप ध्यान से देखो ये लिंकेज बन गया। तो ये जो लिंकेज बना ये एनोमेरिक कार्बन 1 था और यहाँ एनोमेरिक कार्बन यहाँ 1 है, ये 2, ये 3, ये 4, तो इसका 1 लिया, इसका 4, इसका C1 और इसका कार्बन नंबर 4 इन्वॉल्व हुआ है, तो इसलिए ये कैसा लिंकेज है, 1-4 लिंकेज है, ये चीज़ पूछा जा सकता है। यहाँ पे ध्यान दो तो इस कार्बन पे एनोमेरिक कार्बन पे अब OH ग्रुप नहीं बचा, बट इधर वाले में इस कार्बन पे OH ग्रुप बच गया, इसलिए ये कैसा रहेगा, रिड्यूसिंग शुगर रहेंगे, ये कैसा हो जाएगा, रिड्यूसिंग शुगर हो जाएगा। तो ये सब चीज़ आपको रटना नहीं है कि कैसे हो रहा है, सब कुछ हमने आपको आइडिया दिया है कि कैसे मैं बना रहा हूँ, सब आपकी आंखों के सामने होगा। नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं लैक्टोज के बारे में। तो इसका हमने ट्रिक क्या दिया था आपको लैक्टोज से राइट, कि ये जो है वो बीटा डी गैलेक्टोज, और यहाँ से देख सकते हो ये बीटा डी ग्लूकोज से बना हुआ है। तो हमने कैसे बोला था कि बेटा देखो, बेटा मतलब दोनों बीटा होंगे, देखो मतलब डेक्स्ट्रो होंगे, बेटा देखो गला में ग्लू लगाओ और लखपति बन जाओ। तो हमने एक बीटा डी गैलेक्टोज बनाया कैसे, तो वो यहाँ से राइट, क्योंकि आपको आइडिया है कैसे बनाते हैं। ये बीटा कैसे हुआ, क्योंकि OH अप में गैलेक्टोज का हावर्थ प्रोजेक्शन है ये राइट, ये एनोमेरिक कार्बन नंबर 1 है, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, और वैसे ये OH अप में तो ये बीटा है राइट,
और ये एनोमेरिक कार्बन है 1 2 3 4 5 6 राइट। तो ये आपका हो गया बीटा डी ग्लूकोज। तो इन दोनों में अगेन आप क्या करेंगे, इसका अगर OH ले रहे हैं या किसी एक का OH और किसी एक का H आप ले सकते हो, तो अगर मैं ये बाहर कर दूं तो ये बाहर करते ही क्या हो जाएगा, आप ध्यान से देखो मैं हटा रहा हूँ तो ये वाटर बाहर हो गया, तो आपका कैसे लिंकेज आ गया, इस टाइप से लिंकेज आ जाएंगे राइट, ये आपका लिंकेज आ गया। तो इसमें ध्यान से देखो अगेन, इसका बीटा डी ग्लूकोज का आपका कार्बन नंबर 1 एनोमेरिक कार्बन यूज हुआ है और बीटा डी ग्लूकोज का कार्बन नंबर 4, तो ये भी 1-4 लिंकेज है। तो इसमें भी एनोमेरिक कार्बन पे OH बचा हुआ है, तो इसलिए ये भी क्या रहेंगे, रिड्यूसिंग शुगर, क्योंकि OH प्रेजेंट है राइट। और आपको मालूम होना चाहिए लैक्टोज किस में मिलता है राइट, मिल्क में ही होता है राइट, तो इसको मिल्क शुगर भी हम बोल सकते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन बेस्ड हो गया, कौन मिल्क शुगर है, लैक्टोज रिड्यूसिंग है नॉन रिड्यूसिंग है। तो हमने आपको पहले ही बता रखा हो कि ज़्यादा झंझट आपको नहीं लेना है, सारे ही रिड्यूसिंग है एक्सेप्ट सुक्रोज एंड पॉलीसेकेराइड। वैसे अगर पहचानना हो, स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दे दिया तो ये रिड्यूसिंग है नॉन रिड्यूसिंग, तो एनोमेरिक कार्बन पे OH प्रेजेंट है कि नहीं वो देखना है आपको, और कैसे याद रखना है वो तो आपको बता दिया। स्ट्रक्चर क्लियर है, आपको बोल सकता है कि कौन लैक्टोज का स्ट्रक्चर है, चार स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दे दिया, तो एक बीटा डी लैक्टोज होना चाहिए, एक बीटा डी ग्लूकोज। स्ट्रक्चर आपको कैसे याद रखना है तो उसके लिए भी ट्रिक दे रखा हूँ। इसके लिए क्या था, 3G वर्ड कि सिर्फ थर्ड पे आपको OH को लेफ्ट में करना, अदरवाइज सारे OH राइट में। यहाँ भी क्या था, 3G डैट मीन्स थर्ड पे ही OH को लेफ्ट में करना, अदरवाइज सारे राइट में। यहाँ पे क्या था, 3-4 दोनों पे चेंज कर देना, बाकी OH राइट में, तो उसका हावर्थ बनाना, ये भी आपको ट्रिक बता रखा हूँ। फिर उससे उसका डाइसेक्राइड बनाना, ये सब हमारे लिए इजी है। नाउ अब जाते जाते एक छोटा सा ज्ञान लेते हुए जाएं, तो देखो मैंने इन जनरल कोई भी आपका हावर्थ प्रोजेक्शन बनाया है, और ये वाला जो ऑक्सीजन के बगल वाला कार्बन होता है राइट, जिसपे CH2OH नहीं होता है, वो वाले कार्बन को आप जानते हैं उसको क्या बोलते हैं, एनोमेरिक कार्बन। और यहाँ पे आप ध्यान से देखो तो एनोमेरिक कार्बन पे OH प्रेजेंट है, तो अभी ये मेरा जो शुगर होगा वो रिड्यूसिंग होगा। अगर इसकी रिएक्शन मैं एसिडिक मीडियम में अल्कोहल से करा दूँ तो क्या होगा, ये वाटर बाहर निकल करके OR अटैच हो जाएगा राइट, तो बाकी चीज़ें तो आपकी वैसे ही रहने वाली हैं राइट, तो इसलिए मैं उसमें कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, ये ग्रुप जैसे लगे होंगे वो होंगे। यहाँ पर क्या हुआ, ये H था, अब ये OH की जगह क्या आ गया, O और R कोई भी कार्बन होगा। तो ये जो ईथर लिंकेज हो गया, ध्यान से देखो, ये जो ईथर लिंकेज हो गया आपका, एक तो इधर, एक तो पहले से प्रेजेंट था और एक यहाँ पे ईथर लिंकेज आया, तो इस वाले लिंकेज को बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। और इस कंडीशन में अब इस एनोमेरिक कार्बन पे, ये जो एनोमेरिक कार्बन था इस पे अब कोई OH नहीं है, तो इस कंडीशन में ये क्या हो जाएगा, अब नॉन रिड्यूसिंग। इससे पहले क्या था, ये रिड्यूसिंग, क्योंकि वो OH प्रेजेंट था। अगर वो OH इन्वॉल्व हो जाता है, ईथर में कन्वर्ट हो जाता है, तो फिर वो हो जाएगा नॉन रिड्यूसिंग। और चूंकि ये अभी ध्यान से देख सकते हो, ये अल्डिहाइड वाले से आया होगा, क्योंकि ये 6 मेंबर रिंग है, तो ये वाला जो था आपका वो है हेमी एसिटल, इसको बोलेंगे हेमी एसिटल क्योंकि एक ही ईथर लिंकेज है, और इसको बोलेंगे एसिटल क्योंकि दो ईथर लिंकेज है, 2 ईथर लिंकेज। यहाँ पे क्या है, 1 ईथर लिंकेज। तो आई होप मेरा ये प्रयास आपको बहुत पसंद आया होगा, बायो मॉलिक्यूल को मैंने काफ़ी इजी बनाने की कोशिश की है।